हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कि केल्विन एज अ एब्सोल्यूट स्केल, इसको हम एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहते हैं कि केल्विन जब हम टेम्परेचर में जब देखते हैं ना, हर जगह केल्विन में लिखो, केल्विन में लिखो, केल्विन में करना ही क्यों है और केल्विन ऐसा खास क्या है इसके अंदर, वो हम देखेंगे। पहली बात तो इसको जान लीजिए, ये जो स्केल है विलियम थॉम्सन जी द्वारा दिया है, जिसका नाम दिया गया लॉर्ड केल्विन बोला गया जिनको, तो विलियम थॉम्सन जी थे, इन्होंने हमें ये दिया। अब देखिए, हम जब थ्योरी समझते हैं किसी, और हमारे पास मान लीजिए वाटर है, तो वाटर के स्टेट्स है हमारे पास, जैसे आइस सॉलिड आ गया, वाटर लिक्विड, वाटर वेपर्स गैस बन गया, तो सॉलिड लिक्विड गैस। तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि भाई साहब, चाहे जिस मर्जी स्टेट में हो, हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कभी भी हिलना बंद नहीं करते, वाइब्रेट करना बंद नहीं करते, इस चीज को हमेशा याद रखें। चाहे कोई भी आप, चाहे सॉलिड है आपके पास लिक्विड है, आपके पास गैसेस है, सॉलिड है तो वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहे। वाटर अगर मान लीजिए लिक्विड बन गया तो हमें कुछ हल्का दिखने भी लग जाता है, गैसेस में तो साफ दिख रहे हैं कि ये भाई साहब हिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सॉलिड में भी मॉलिक्यूल्स हिलते रहते हैं। चाहे आप 0 डिग्री सेल्सियस ले आइए टेम्परेचर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे मॉलिक्यूल्स हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, -10, -50, -100, -200, -250, लेकिन ऐसा एक टेम्परेचर है जहां पर जाके मॉलिक्यूल्स हिलना बंद कर देते हैं, और वो टेम्परेचर जो है वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसी को बोला गया 0 केल्विन, क्योंकि ये क्या, वो टेम्परेचर जहां पर जाकर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना ही बंद कर देते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे मान लीजिए यहां पे बॉइलिंग वाटर है तो ये मॉलिक्यूल्स पूरे भागेंगे, अगर फ्रोजन वाटर है यहां पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो पर जाकर थर्मल एनर्जी जीरो हो जाएगी, उसके अंदर कोई भी हीट एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी ही है, हीट एनर्जी ही है जो मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर रही है। अगर हम उसमें से हीट छीन लें, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वाटर वेपर्स होते हैं, हम हीट छीनते हैं, कंडेंसेशन होती है, पानी बन जाता है, हम हीट छीनते हैं उससे, हीट छीनना जैसे रेफ्रिजरेटर है, पानी में से हीट छीन लेते हैं तभी तो वो सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है। अब उसमें भी, आइस में भी हीट एनर्जी है तभी वो वाइब्रेट कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स, लेकिन इतनी हीट एनर्जी छीन ली जाए, इतनी छीन ली जाए कि खत्म ही कर दी जाए उसके अंदर से हीट एनर्जी, वो पॉसिबल है वहां पे एब्सोल्यूट जीरो उसको बोलेंगे, अगर पॉसिबल हो तो। एक ये भी बड़ी दिक्कत है कि अगर यहां तक आप पहुंच जाओ लोएस्ट, तो वो हमारा थर्मल एनर्जी यहां पे जीरो हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो इसीलिए इसको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, इसीलिए यहां पे एब्सोल्यूट जीरो होता है। हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब देखते हैं, क्योंकि ये बात तो ऐसी आ गई कि केल्विन भाई साहब ने ये बोल दिया कि आप माइनस में लेके जाओ, कितना माइनस में, -100, -200, -250, -273.15, बस ये मेरा जीरो है, क्योंकि आपकी सोच जहां पर खत्म होती है मेरी शुरू होती है। आप कितना ज्यादा नीचे जाओगे, जहां तक आप जा सकते जाइए, मेरी जीरो वहां पर स्टार्ट होगी, जहां पर आपका माइनस 273 आएगा, डिग्री सेल्सियस आएगा, वहां पर मेरा 0 केल्विन स्टार्ट होगा। इट मींस ये नेगेटिव में केल्विन कभी भी नहीं होता, नेगेटिव में केल्विन कभी भी नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखें। और अगर आपको कोई पूछे कि केल्विन, हमारे पास अगर 0 केल्विन है तो ये कितना है, -273, और फारेनहाइट पूछे तो -459 डिग्री फारेनहाइट। आपको कोई भी पूछा जा सकता है सेल्सियस में भी, फारेनहाइट में भी, केल्विन में भी। तो एब्सोल्यूट जीरो हमारे यहां होता है, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो दुनिया में लोएस्ट आप लेके जा सकते हो वो है -273। और अब ये हम जो कहते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो अचीव करना इम्पॉसिबल है, आप उसके पास पहुंच सकते हो, एब्सोल्यूट जीरो इज इम्पॉसिबल टू अचीव। इस चीज को ध्यान में रखें, ये क्या कह रहे हैं, इज इम्पॉसिबल टू अचीव बिकॉज रिमूविंग ऑल हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपने पूरी एनर्जी उसमें से छीननी है, बाहर निकालनी है, तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू रिमूव हीट फ्रॉम ए सब्सटेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप हीट छीनते हो उतना ज्यादा वर्क लगेगा आपको, रेफ्रिजरेटर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये तो इतने से कुछ नहीं बनने वाला है इस रेफ्रिजरेटर जो आपके पास है। ओके, हाउएवर इट्स पॉसिबल टू रीच टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो,
पास पहुंच सकते हो कैसे, जैसे इवेपोरेटिव कूलिंग कर दीजिए, आप आपने सुना होगा इनके बारे में, इवेपोरेटिव कूलिंग के बारे में, क्रायो कूलर्स हैं हमारे पास, डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर है, न्यूक्लियर एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन है, ये लेजर कूलिंग है, इसके थ्रू आप आसपास उसके पहुंच सकते हो। लेकिन आप अगर कहो कि आप एग्जैक्ट एब्सोल्यूट जीरो ला सकते हो, वो नहीं ला सकते आप। ओके, केल्विन टेम्परेचर स्केल में ये कहता है कि लॉर्ड केल्विन योर स्केल इज बीइंग यूज्ड टू ग्रेट डिग्री, वो कहता है बहुत ज्यादा बहुत ग्रेट डिग्री पे आपको यूज किया जा रहा है, कहता है गुड बट डोंट टॉक अबाउट डिग्री। और ये याद रखें, कभी भी केल्विन बोलना हो तो आप कभी भी डिग्री नहीं बोलेंगे कि डिग्री केल्विन, ये नहीं बोलेंगे। ओके, याद रखें हमेशा डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, डिग्री फारेनहाइट बोल सकते हैं, लेकिन केल्विन को कभी भी डिग्री में नहीं बोलते हैं, हमेशा सिर्फ केल्विन बोलते हैं। जो मर्जी टेम्परेचर का नाम ले लो, लेकिन सिर्फ वो टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन में ही बोलेंगे। तो इस तरह से आप केल्विन को समझ सकते हैं कि केल्विन स्केल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हर जगह पर केल्विन की बातें होती है। रीजन बहुत ही बड़ा है, एब्सोल्यूट जीरो के कारण स्टार्ट हुआ, इनकी थ्योरी जो है अलग है, और प्लस इसमें माइनस की टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ हमेशा इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही देखने को मिलेगी। आई होप ये चीज आपको फंडा क्लियर होगा, केल्विन क्या है, केल्विन के स्केल क्या है, इसके बारे में कंफ्यूजन क्लियर होगी। अगर क्लियर हुई है तो लाइक का बटन दबा दें और कमेंट जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया, और शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो टीचर की वीडियोज जो होती हैं इनको शेयर करना सबसे मुश्किल होता है, फनी वीडियो को शेयर करना बहुत आसान होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप SSC JEE RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें और ऑल इन वन AEJEE कोर्स ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।